नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक समझ ही रहे हैं आप क्या है, कार्य तथा समय पार्ट टू। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग कार्य तथा समय का पार्ट वन वीडियो आप देख करके ही आए होंगे, ठीक है ना? क्योंकि जब तक हम पार्ट वन नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पार्ट टू समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि उसमें पार्ट वन में हमने आपको क्या किया है कि बेसिक चीजें भी सिखाया है कि कैसे बेसिक एलसीएम निकालते हैं, क्या कार्य तथा समय क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको पार्ट वन में बताए हैं। और ये भी बताया था कि हमने कि आपके लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन हर एक गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में लगभग फिक्स है कि आना ही आना है, ठीक है ना? तो इसलिए आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि आप पार्ट वन वीडियो देख करके ही आप पार्ट टू वीडियो आप देख रहे होंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों, एक और चीज आप ध्यान देंगे कि पार्ट वन जब आपने सही क्लियर कर लिया है तो पार्ट टू तथा पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, इसके 5 वीडियो बनेंगे। पांचों अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ए टू जेड लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक के सारे एग्जाम को आप आसानी से इसके 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो सीधे हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे। पार्ट टू में हमको आपको बताना है कि अकेला कार्य को हम कैसे करते हैं, अकेला कार्य को हम कैसे करते हैं, अकेला किसी कार्य को हम कैसे करते हैं, क्लियर? देखिए, अकेला का पहले मैं आपको एग्जांपल समझा दूं। एग्जांपल फर्स्ट, इसमें हमेशा कहेगा कि 2 लोग ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और जो है ए अकेला 15 दिन में करता है। ए अकेला कितने दिन में करता है? 15 दिन में ए अकेला। और ये क्या करेगा कि मिलकर के कार्य कर रहा है, तो कहेगा कि बी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सीधी सी बात है, आपको एलसीएम लेना है, 10-15 का एलसीएम कितना होगा? 30, क्लियर? 10 तिहाई 30, हमने बताया था, लिख लो 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। तो दोस्तों, मिलकर में इन दोनों को जोड़ते थे, अकेला में दोनों को घटा दे। क्यों घटा दे? क्योंकि देखिए, ए बी दोनों मिलकर के कार्य को 3 दिन में कर रहे हैं, 10 कार्य को 3 दिन में कर रहे हैं ना, और 3 कार्य को 10 दिन में ये कर रहे हैं, और ए अकेला मान लो कर रहा है, तो ये 3 दिन में, ये 2 दिन में। तो ए जब कर ही दिया तो ए से ये हटा दे तो बचा क्या? बी। तो जो इनको घटाने पर बचे उसी को इससे भाग दे दीजिए तो सीधे बी का कार्य निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बस देखिए क्या करना है, तो 3 में से 2 घटा दीजिए, 3 में से 2 क्या आया? ए। तो बटे में क्या कर दीजिए? ए। यानी कि बी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? 30 दिन में। बस यही आपको समझना है, वहां पे दोनों मिल करके तो जोड़ते थे, चूंकि भैया ए अलग बी अलग, ये अलग ये अलग है, तो दोनों को हम जोड़ करके मिल करके निकालते थे। अब ये 2 लोग हैं और ये 1 लोग हैं, ये 2 लोग और ये अकेला है। अब ये दोनों मिल करके कर रहे हैं, ये अकेला कर रहा है, तो जो बचा वो कितने दिन में करेगा? तो इन दोनों में से एक को घटा दे तो जो बचा वो उसका कार्य आ जाएगा, उसी से हम क्या कर दे, भाग दे दे टोटल एलसीएम में। दैट सॉल्यूशन, क्लियर? गुड। तो हम इसके क्या करते हैं कि एग्जांपल्स के थ्रू ही सारी चीजें को देखते हैं, और एग्जांपल हमने आपको लिख ही दिया है कि ये 3 एग्जांपल कैसे हैं, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, देखिए ये दोनों मिलकर के कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए जो है अकेले कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो कहा कि बी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, तुरंत लिख लीजिए, ए और बी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम। 12 और 20 का एलसीएम कितना हुआ? 60। 12 पंजे 60 और 20 तिहाई 60। हमसे क्या कहा है? बी अकेला। देखिए ध्यान से, ए बी यहां पर है, ए यहां पे है, तो ए बी में से अगर ए घटा देंगे तो बी तो बचेगा केवल, भैया ए बी में से ए घटा देंगे तो क्या बचेगा? बी। तो बस इनको घटा दो, 5 में से 3 का कितना आया? 2, और 2 से भाग दे दीजिए, 30 दूनी 60, यानी बी अकेला कार्य को कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में कार्य को फिनिश कर देगा। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको आ गया। चलिए, पहला हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए आप अच्छे से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लैंग्वेज पढ़िए पहले। ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं,
देख रहा हूँ ना, एबीसी तीनों मिलकर के 10 दिन में कार्य को कर रहे हैं। यदि ए और बी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में, ए कार्य को 20 दिन में, बी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो तुरंत आ जाइए दूसरे पॉइंट्स पे, तुरंत आप आ जाइए, लिखिए आप क्या ए बी सी, ए बी सी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। फिर देखिए ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। क्लियर? इनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम। 10, 20, 30 का एलसीएम कितना हो गया? 60। पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है ना। देखिए भाग दे दे, 10 × 6 = 60, 20 × 3 = 60, 30 × 2 = 60। हमसे क्या पूछा है, सी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। अब एक बात समझिए, ये तीनों लोग मिलकर के कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। ए कितने दिन में कार्य को कर रहा है? 3 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। तो सीधी सी बात है, जब सी का कार्य निकालना है तो हमें ए बी को घटाना पड़ेगा। तो ए बी सी तीनों का कार्य 6 है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो बचा कितना, 6 में से 3 को घटा दिया तो बचा 2, 3, 6 में से 3 को घटा दिया कितना बचा, 3, और फिर 3 में से 2 को घटा दिया तो कार्य देखो 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो बटे क्या कर दीजिए इसके 1, यानी कितने दिन आ गया, 60 दिन में सी कार्य को पूरा करेगा। सी का कार्य अकेले का कार्य कितना आ गया, 60 दिन आ गया। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन कि तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। देखिए ए बी मिलकर के कितने दिन में, 12 दिन में। बी सी मिलकर के कितने दिन में, 20 दिन में। सी ए मिलकर के 15 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। तो कहा ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, सबसे कम दिन, सबसे अधिक दिन, 5 क्वेश्चन इसके बन गए, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, अच्छा पहले ये बताइए, ए अकेला निकालना है, बी अकेला निकालना है, सी अकेला निकालना है, तो पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें हमें ए बी सी का कार्य निकालना पड़ेगा कि ए बी सी भैया तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इन तीनों का पहले कार्य निकाल लेते हैं हम लोग, और कैसे हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए, ए बी कितने दिन में दिया हुआ है, ए बी कितने दिन में, 12 दिन में। बी सी कितने दिन में, 20 दिन में। सी ए कितने दिन में, सी ए का कार्य कितना दिया है, 15 दिन। क्लियर? इनका हम लसन ले लें, चलिए लसन ले लिया, 12 20 15 का लसन कितना हुआ, 60। 12 × 5 = 60, 20 × 3 = 60, 15 देखिए 15 × 4 = 60। क्लियर? पहले तीनों को मिलाकर के कार्य निकाल लें, तीनों मिलकर पहले कार्य निकालना पड़ेगा। क्यों मिलकर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले तीनों का कार्य तो हमें पता चल जाए भैया कि हम तीनों ए बी सी मिलकर के कार्य को हम कितने दिन में कर रहे हैं ना, तभी तो हम ए का अकेला निकाल पाएंगे, तभी तो बी का निकाल पाएंगे, तभी तो सी का निकाल पाएंगे, तभी तो सबसे कम दिन का निकाल पाएंगे, और सबसे अधिक दिन कौन ले रहा है, तभी तो कार्य निकाल पाएंगे हमें। तो सीधी सी बात है, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो तुरंत हमने बताया था ना, इनको जोड़ दीजिए, 5, 3, 8 और 4 कितना हुआ, 12 दिन। तो 12 से भाग देंगे, चूंकि दो दो लोगों का ग्रुप है तो 2 का गुणा कर देंगे, 12 × 5 = 60, तो 5 × 2 का कितना आ गया, 10 दिन। यानी आप समझ गए ये कार्य किसका आ गया, ए बी सी तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। क्लियर? अब आ जाइए पहले लैंग्वेज पे, ए नंबर, ए अकेला, एक बात ध्यान दीजिए, ए बी सी तीनों का, तीनों जो मिलकर कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ए अकेला पूछा है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि ए जब अकेला पूछा है, तो ए अकेला जब पूछा है तो इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, बी सी, और बी सी का कार्य कितने दिन है, 20 दिन। यहां पे क्या लिख लेंगे, बी सी का कार्य कितना है, 20 दिन। देखिए बी सी का कार्य कितना है, 20। इसका फिर से हम क्या ले लें, एलसीएम। 10 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, 20। 10 × 20 और 20 से कम 20, अकेला पूछा है तो बी सी घटा दीजिए, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1, तो 1 से भाग दे दीजिए तो कितना आ गया, 20 दिन। इसका मतलब ये पता चल गया कि ए का कार्य कितना आ गया, ए का कार्य कितना आया, 20 दिन। ए का कार्य कितना आ गया, 20 दिन, ठीक है ना। अब सोचिए अगर बी का पूछे तो बताइए क्या घटाना पड़ेगा, बी का अगर पूछेगा तो हमें ए सी घटाना पड़ेगा, तो ए सी का कार्य रख करके निकाल लेंगे। सी अकेला की बात कर रहा है, तो सी का अगर हमसे पूछ दिया, तो सी का अगर हमसे पूछ दिया तो हमें, देखो सी का पूछ दिया तो हमें क्या घटाना पड़ेगा, ए बी, तो ए बी का यहाँ पे रख करके घटाना पड़ेगा, तो एलसीएम लेकर के आएगा।
और दिन 20 दिन आ गया, ठीक इसी तरीके मान लीजिए बी का दिन आ गया, सी का दिन आ गया, जो सबसे कम दिन होगा तो कम वाला हो गया, तीनों में जो कम होगा वो कम दिन, तीनों में जो अधिक होगा वो अधिक दिन, ठीक है ना। तो हमने आपको एक फिर से ये बता दे रहा हूं कि कैसे हुआ है, फिर से सुन लीजिए। पहला काम मेरा क्या है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो पहले तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं पहले हम ये निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे आपको पता है, ए बी 12 दिन, बी सी 20 दिन, सी ए 15 दिन, इनका एलसीएम 12 20 15 एलसीएम कितना हुआ 60, भाग दे दिया 12 पंजे 60, 20 23 60 और 15 चौके 60, तीनों मिलकर इसलिए जोड़ दिया 5 3 8 और 4 कितना हुआ 12, चूंकि दो दो लोगों का ग्रुप है इसलिए पूरे कार्य में दो का गुणा करा दिया 12 से भाग दे दिया 12 पंजे 60 5 दुना के 10, एबीसी का कार्य कितना आ गया 10 दिन, तीनों ने मिलकर कार्य को कितने दिन में किया 10 दिन में। अब हमसे क्या पूछा कि ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा, तो तुरंत हमने क्या कर दिया कि हमने देखा कि एबीसी का कार्य, एबीसी ए नंबर का है हमसे, एबीसी का कार्य एबीसी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, ए अकेला पूछा है, क्योंकि ए अकेला पूछा है तो बचा क्या बीसी, तो ए अकेला पूछा है और बीसी बीसी बचा, तो बीसी को हम घटा दे और बीसी का हमें कार्य पता है कि बीसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, तो बीसी का कार्य हमने कितना लिख लिया था 20 दिन, तुरंत इनका एलसीएम ले लिया 10 20 का एलसीएम 20 हुआ, 10 दूनी 20 और 20 एक कम 20, दो में से एक घटा दिया क्या है एक और एक से भाग दे दिया तो बचा क्या 20 दिन, ये किसका कार्य आ गया ए का, क्लियर। अगर बी का पूछेगा तो क्या आपको घटाना पड़ेगा, बी का पूछा तो एसी घटाना पड़ेगा, सी एसी बात एक ही है, और हमसे सी का पूछ दिया तो हमें ए भी घटाना पड़ेगा, और तीनों में जो अधिक दिन आएगा तो अधिक दिन का होगा और जो तीनों में कम दिन आएगा वो सबसे कम दिन होगा। तो आपको कमेंट में इन चारों के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं, ठीक है ना, तो इन चारों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और हम ये देखेंगे कि कितने लोग अच्छे से चैप्टर को पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन चारों के आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोगों के आंसर आपके आ जाने चाहिए, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद लास्ट में तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसके आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हो, तो सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।